जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज से जो है मैं मध्य प्रदेश जीके पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एग्जाम जो है नजदीक आ चुकी है, 22 फरवरी को उसका एग्जाम है। तो उसी संबंध में जो है मैं मध्य प्रदेश के कुछ संभावित प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि आप पूरा पूरा मध्य प्रदेश पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 2015 में जो है मध्य प्रदेश के ओनली 2 क्वेश्चन आए थे और 2017 में जो है 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, मान लो इस साल जो है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 क्वेश्चन के लिए पूरे मध्य प्रदेश के जो जीके का 30 से 35 टॉपिक है उसको पढ़ पाना संभव है नहीं। तो इस संबंध में कुछ संभावित प्रश्न जो पुराने पेपर्स में जो सवाल आए हैं उसी को एनालाइज करके हमने कुछ संभावित प्रश्न बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बस आप ये पूरी सीरीज देखिए तो आपका मध्य प्रदेश जीके ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा और संभावना बनेगी कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। अगर आपने हमारे ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया है, सक्सेस विथ यू ऐप जो है आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। और वहां पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है और बढ़िया टेस्ट सीरीज है, अगर आप नहीं ये टेस्ट सीरीज नहीं लगाते तो आप गलती करते हो। अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एग्जाम में जाके आप सब कुछ अच्छा करोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको जो है टेस्ट लगानी चाहिए और मंचूरियन और नूडल्स के भाव में आपको जो है आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, सक्सेस विथ सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिससे कि आप जो है उस ऐप को इंस्टॉल करोगे और आपको बहुत कम खर्च में जो है आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो किले है वो पढ़ने वाले। तो आपने देखा था 2017 में पहला ही क्वेश्चन था कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो उसका उत्तर था कि बुरहानपुर में स्थित है। तो अब अगर असीरगढ़ का किला आ सकता है तो इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे किले वो भी आ सकते हैं, तो हम आज पूरे किले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं असीरगढ़ के किले से शुरू करते हैं। तो आप इसके बारे में एक जानते हो कि सबसे पहले ये एक अहीर राजा था जिसका नाम था आशा, इसने बनवाया था 10वीं शताब्दी में और इसी असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, और ये अशोक से संबंधित है। कैसे? कि अशोक का जो अंतिम अभियान था वो असीरगढ़ किले में था। ठीक है, और इसी अशोक ने ही इसको खानदेश नाम दिया था। ठीक है, तो इसकी बात करते तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कहां स्थित है। तो ये है बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, किसने बनवाया था ये? तो ये इसका नाम है आशा। कौन था ये? एक अहीर राजा था। ठीक है, और इसी असीरगढ़ के किले में एक खूनी दरवाजा भी स्थित है। ठीक है, तो आपको इतना गहराई में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि असीरगढ़ किला बुरहानपुर में स्थित है और इसको आशा ने बनवाया था जो एक अहीर राजा था, 10वीं शताब्दी में बनवाया था, और इसी किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, और एक बात इसमें बहुत अच्छी है कि ये राजपिपला पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपको राजपिपला पहाड़ी नहीं पता तो आपको सतपुड़ा मैकल श्रेणी का नाम सुना है, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी उसको कहते हैं राजपिपला। ठीक है, तो उस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्वालियर किला। अब ग्वालियर किले के बारे में आप सब कुछ जानते हो, पूर्व का जिब्राल्टर, किलो का रत्न, किलो का सिरमौर, है ना। तो इसको 525 एडी में जो है वो राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, अब 525 एडी आप याद रखिए और राजा सूरज सेन याद रखिए। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो आपको शायद आपकी इच्छा हो तो याद रखना वरना कोई जरूरत नहीं है। कि उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कितने दरवाजे हैं। तो ग्वालियर के किले में प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे हैं। ठीक है, पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है हिंडोला, तीसरा है गुजरी, चौथा है चतुर्भुज और पांचवा आता है हाथीपोड। ठीक है, ये 5 दरवाजे होते हैं। अगर आपको याद रखना है तो लिख लीजिएगा, वरना आप इसकी इस वीडियो की पीडीएफ जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से महल है। तो उसमें बहुत सारे महल है, जैसे कि गुजरी महल है जो मानसिंह तोमर ने बनवाया था, इसके अलावा तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है। ठीक है, और जो सास बहू का मंदिर है वो महिपाल ने बनवाया था। तेली का मंदिर जो है राष्ट्रकूट जो के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, हालांकि राष्ट्रकूट के राजाओं ने जो तेली समाज के लोग है उनसे डोनेशन लिया था और फिर बनवाया था, लेकिन फिर भी हम बोल सकते कि राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था तेली का मंदिर। अब ये तेली का मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तेली का मंदिर जो है उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, अब ये द्रविड़ शैली क्या होती है? तो 2 टाइप की शैली होती है, एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली। ठीक है,
नागर शैली चलती है उत्तर उत्तर भारत में, और जो द्रविड़ शैली होती है वो होती है साउथ के एरिया में। ठीक है, जितने भी साउथ के जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, लेकिन उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ वो है तेलिका मंदिर। इसलिए आपको याद रखना कि तेलिका मंदिर जो है वो ग्वालियर किले के अंदर स्थित है। ठीक है, इसमें और एक चीज है इस ग्वालियर किले के अंदर में, वो है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपने सुना होगा सिख धर्म के छठवें गुरु थे हरगोविंद जी, तो जो जहांगीर है उनने जो है ये गुरु हरगोविंद सिंह को सजा दी थी, तो वो दी थी इस गुरुद्वारा के अंदर में, इसीलिए उसका नाम पड़ा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको अगर इतना सब कुछ याद रखना है या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आप मैं जितना बोल रहे हो आपको ना उस उन सारी चीजों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको देखते हैं कि ग्वालियर किला कहाँ पर है। तो सिंपल सी बात है, ग्वालियर में है। किसने बनवाया था ये बनवाया था राजा सूरजसेन ने। कब बनाया था, 525 एडी में। और इसको ये बुरहानपुर किले को जो सॉरी असीरगढ़ का किला है इसको कब बनाया था, उसको बनाया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर बात करते हैं ओरछा किला। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ओरछा किला जो है टीकमगढ़ में है, लेकिन अभी निवाड़ी जो है 52वां जिला बन चुका है, तो ओरछा किला अभी आएगा निवाड़ी जिले में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते कि ये ओरछा किला कौन सी जिले में आएगा, निवाड़ी में। ठीक है, अब बात करते ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था बुंदेला वंश का एक राजा है, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, तो ये बनवाया था वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, लेकिन आपको पता है इसके अलावा भी ओरछा किले के अंदर उसने एक दो महल और बनवाए थे। अब ये जो वीर सिंह बुंदेला है ये मित्र था जहांगीर का। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब ने जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या की थी। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, वीर सिंह बुंदेला एवं जहांगीर। तो इस वीर सिंह बुंदेला ने किया ओरछा का किला बनवाया, उसके अंदर जहांगीर महल बनवाया अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम पर। ठीक है, एक महल बनाया खुद के नाम पर राजमहल, और एक बनवाया एक भगवान है लक्ष्मी नारायण उनके नाम पर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, राजमहल और एक जहांगीर महल, ये तीनों के तीनों ओरछा किले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये ओरछा किला किसने बनवाया है, वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चंदेरी का किला। ये किला स्थित है अशोक नगर में। ठीक है, तो ये है चंदेरी का किला जो स्थित है अशोक नगर में। ठीक है, और इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने किया था, जो एक प्रतिहार नरेश था। ठीक है, तो ये राजा कीर्तिपाल। एक प्रतिहार नरेश था ये, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन की नरवर का किला। ठीक है, तो नरवर का किला जो है शिवपुरी में है। ठीक है, तो ये किला जो है ये शिवपुरी में है, और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था राजा नल ने। ठीक है, तो इसका नाम था राजा नल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रायसेन का किला। तो सिंपल सी बात है, रायसेन का किला कहाँ पर है, रायसेन में ही स्थित है। इसको बनवाया था राजा राज बसंती ने। ठीक है, तो ये था राजा राज बसंती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। तो ये भी किला रायसेन में ही स्थित है, और इसको बनवाया था राजा उदय वर्मन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यही कि रायसेन में स्थित है भैया जी ये। नेक्स्ट है कि इसको राजा उदय वर्मन ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अजयगढ़ का किला। तो ये पन्ना में स्थित है, आप सबको पता होगा इसके बारे में, और ये है अजय पाल ने बनवाया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर का किला। तो
तो भैया मंदसौर का किला मंदसौर में स्थित होगा। इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं मंडला का किला, ये मंडला में स्थित है, ठीक है, और इसको बनवाया था फ्रेंड्स राजा नरेंद्र शाह ने, राजा नरेंद्र शाह। नेक्स्ट देखते हैं धार का किला, ठीक है, तो धार का किला धार में स्थित है। मांडू का किला भी धार में स्थित है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। धार का किला जो है वो बनाया एमबीटी ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने, और जो मांडू का किला है वो बनवाया है हुसैन शाह कौरी ने, ठीक है। तो ये धार का किला देखते हैं किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये बनवाया था हुसैन शाह। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट सारे किले जो है हमने पढ़ लिए। एक बार देख लेते हैं कि असीरगढ़ का किला बनवाया राजा अहीर ने, उसका नाम था आशा, कहाँ स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर का किला किसने बनवाया, राजा सूरज सेन ने, ग्वालियर में स्थित है, 525 एडी में बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं ओरछा, ये निवाड़ी में स्थित है, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। फिर देखते हैं चंदेरी का किला, वो है अशोकनगर में, राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, जो है प्रतिहार नरेश है। नेक्स्ट है नरवर, ये राजा नल ने बनवाया, शिवपुरी में स्थित है। रायसेन का किला, राजा राज रोशन ने बनवाया और रायसेन में स्थित है। गिन्नौर का किला, ये रायसेन में स्थित है, राजा उदय वर्मन ने बनवाया। नेक्स्ट है अजयगढ़ का किला, पन्ना में स्थित है, अजय पाल ने बनवाया। नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर का किला, मंदसौर में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। नेक्स्ट है मंडला किला, मंडला में है और राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया इसको। फिर देखते हैं धार किला, धार में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया एवं मांडू का किला हुसैन शाह गौरी ने बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए।